हेलो एवरीवन, तो आप सारे कैसे हैं? आई होप आप सारे बढ़िया होंगे। और आज है हमारा डे वन इन कनाडा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार, आज ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और आज आपको आउटफिट से पता लग रहा होगा कि हम कहाँ जाने लगे, और थोड़ा बहुत आइडिया तो पै गया होगा ना कितने जान लग गए। बाकी आज हम बताऊंगा नहीं यार, लेकिन ऐसे बताऊंगा ना फिर मज़ा नहीं आएगा। वहाँ जाके आपको पता लगेगा कि कहाँ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया जगह जा रहे हैं। और ये आज की एक्साइटिंग व्लॉग में आपको मज़ा आ जाएगा यार, लिटरली यू गोना लव दिस व्लॉग। एंड मेरे भाइयों, मैं एक बात आपसे करना चाहता था यार, मैं थोड़ा सा निराश हूँ तुमसे, थोड़ा सा बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया मेरी वो फर्स्ट व्लॉग पे इंडिया टू कनाडा। पर यार तुझे ना, मैं देख रहा एनालिटिक्स से गया सीगा, मैं देखा कि तुसी ना यार सब्सक्राइब या नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लो यार, इतनी मेहनत कर रहे हो मैं। और लाइक भी कर दियो, शेयर भी कर दियो, ठीक है। और एबीपी जैकेट आ पूरी फिट आ गई, एबीपी जैकेट। और आज देखते हैं, आज मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया लगेगा आपको ये व्लॉग, क्योंकि खड़ाके पा देने आप गा पा देना पूरा। और मेरी सिस्टर रेडी हो रही है भी, क्योंकि उसको टाइम लगता है। चलो जी, हम निकल लगे हैं आप, हम काम वो गड्डी आ गई है, पिक्का आ गया साडा, हम पिक्के ते चलते हैं घूमण। ओ खलोता डेस्टिनेशन में आ गए, और यहाँ पे हम सामान लोड कर रहे हैं। दो चार असला थोड़ा कम पड़ रहा था, तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो असले भी तो ज़्यादा होने चाहिए ना, तो इसलिए थोड़ा सा असला लोड हो रहा है डिक्की में। और उसके बाद हम डेस्टिनेशन पे जाएंगे, जहाँ हम मैं आपको दिखाऊंगा कि हम गोलियाँ कैसे बाय करते हैं। यहाँ पे बड़ा ईजी है, जैसे शॉपिंग मॉल होता है वैसे ही गोलियाँ बाय करेंगे हम यहाँ पर, बहुत ईजी है, तो मैं आपको दिखाऊँगा वहाँ जाके। और यहाँ पे बहुत कुछ है ख़रीदने को, अगर आपको गन्ने ख़रीदनी है तो आपको गन्ने यहाँ से मिल सकती है। ये देखो भाई, गन्ने देखो आप यहाँ पे, गन्ने बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे मिल जाती है यहाँ, और प्यारी प्यारी गन्ने यहाँ पे। और अगर आपको ख़रीदनी है तो यहाँ से मिल सकती है, आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। हाय, सो हम अब चलते हैं, हमें लेट हो रहा है क्योंकि गोलियां हमने ले ली है, और अभी हम वहाँ को 0.2 की लेनी है, 0.2 की उस साइड होगी, तो मैं वहाँ जाके आपको दिखाता 0.2 की गोलियां कितने की बिल्ट पड़ेगी हमको। देख सकते हो भाई, करना बथेरियाँ ही हैं, बथेरिया करना है थे। इतने बहुत वधिया वधिया गन्ना मिल जाती है, तो इतने गोलियां भी मिल सकती है तुम्हें, जिदा देख सकते हो गोलियां भाई, बहुत वधिया वधिया गोलियां भी मिल सकती है तुम्हें। फिर आप शूटिंग से चलते हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारी गोलियां इतने भाई, सारी है भाई, मैंने तो पता भी नहीं, $60 भी हैं, कोई $40 या कोई $100 भी है। और आपको बस, मुझे तो इतनी ज़्यादा नॉलेज है नहीं, मेरे को चलाने की नॉलेज अच्छी है, पर ऐसे नहीं है, ऐसे गोलियों की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, चलाने की नॉलेज तो बहुत प्यारी है। तो अब हम चलते हैं आगे। खाएंगे।
देख रहे थे कुछ भी खाने के लिए या कुछ पीने के लिए। अभी तो कुरकुरे चल रहा भाई, तो अभी हम पहुंचने वाले हैं मार्को। जहाँ लोकेशन पे जाना है वहाँ पे टाइम बहुत लगेगा, पर लोकेशन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो बस इसकी वेट है। आधा घंटा या एक घंटा और लगेगा, एक घंटे के बाद हम अपनी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे फाइनली। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो लोकेशन कितनी प्यारी है और वहाँ फिर हम शूटिंग करेंगे। तो हमने सबको टारगेट वारगेट ले लिए, दो दो पेटियाँ ले ली है टारगेट की, और गन्ने दो चार गन्ने ले लिए, और गोलियाँ बहुत सारी ले ली हैं, 800-900 राउंड है अपने पास, और सब बढ़िया रहेगा। और व्लॉग ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होएगी और मज़ेदार होएगी, सारे देखते रहना आगे जो। यार लग तो रहा है निकल जाएगी गाड़ी, तो ट्राई करने लगे हैं हम अभी, ट्राई करते हैं निकलते कि नहीं, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा स्नो मेल्ट हो रही है और ऊपर से नीचे स्नो भी है, तो उस वजह से टायर जाम ना हो जाए। अगर एक बारी फंस गई तो गाड़ी फिर ये समझो फंसी गई। चलो एक दाव लगा के देख लेते हैं, चांस लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर कहीं और गोलियाँ तो चलानी है, कहीं और चलाएँगे फिर। और व्यू देख लो भाई, पहुंच गया। आज तो पूरा ऑफ रोड कर लेता, पूरा ऑफ रोड, छोटा या फोर्ड F-150 स्पोर्ट मॉडल भाई, छोटा या पूरा खींचता है मेरा पूरा। अभी देख रहे हैं कोई स्पोर्ट, ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा स्पोर्ट मिल जाए, फिर चलते हैं।
ਤੇ ਹੁਣ ਖੜਾਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾਰ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਸਨੋਅ ਸ਼ੂ ਪਾ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਨੋਅ ਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਪ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਇਸ 'ਚ 12 ਗੇਜ ਦੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਲੋਡ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਖੜਾਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ हो सेफ्टी ऑन दी स्पॉट आपको बंद लगा देनी लगा सेफ्टी लग गई हो ना लोड भी भाई खुद ही करनी पड़ती है अगर मजे लेने तो गोलियां लोड भी खुद करो दिखाए गन दिखाई केड़ी गन दिखाऊंगा बाद में केड़ी दिखाई GSG-16 देखो पूरा ही खड़ाक पांदा है जट छोटी छोटी गोलियां मजा बड़ा आंदा है चलाने चो मैं वही लोड कर रहे हैं ठीक है एला फट ओ दे मैं मैगजीन जी गोलियां लाने का फायदा हो गया भाई गोलियां जिन्नी ज्यादा होगी उन्ना मजा आएगा ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੱਕ ਹੀ ਤੱਕ ਹੈ ਹੈਲੋ ਆ ਰਹੇ ਖੜਾਕੇ ਹੋਰ ਖੜ ਜਾ ਪੋ ਤਾਂ ਖੜ ਜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਡ ਕਰਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਖੜ ਜਾ ਖੜ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਗਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਗੋਲੀਆਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੀ ਖਾਲੀ ਆ ਇਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਇਹ ਖਿੱਚਣਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਵਾਲੀ ਗੱਲ
ਇਹ ਬੜੀ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਯਾਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਆ ਲੋਡ ਕਰ ਰਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਛੇ ਸੇ ਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਕਰਤੀ ਲੋਡ ਅਜੇ ਤੱਕ 200-300 ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਚਲ ਹੁਣ ਇਹ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਭਰ ਕੇ ਆ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੋ ਬਾਈ ਚਲੀਏ ਚਲੀਏ ਫਾਇਰ ਚਲੋ मज़ा आ गया यार बहुत ज़्यादा शूटिंग करी हमने और तुम्हें दिखा दिया मैंने कितने रौंद करे कुछ 500-600 तो गोलियाँ चला चुका हूँ मज़ा आ गया बैठे बैठे भी टायर्ड हो गया सब पड़ा हुआ था थोड़ा सा तो सब खाया खाने के बाद फिर से मन करा मैं कह रहा हूँ समा बांध दिया भाई यहाँ पर तो ठा जितने भी इतने गोरे आए हैं वो भाई परेशान हो गए होंगे वो कह रहे होंगे कि भाई हम शांति में कैंपिंग करने आए हैं हमने तो चलाई हैं गोलियाँ 100-200 इन्होंने तो 500-500 गोलियां चला रहे हैं भाई मज़ा आ गया हर 2 मिनट बाद ठा भाई मज़ा आ गया एक नंबर व्यू देखो आप व्यू के नज़ारे लो आज मैंने आपको बोला था ये व्लॉग सबसे ज़्यादा मज़ेदार होगा एक नंबर पर अब पहले व्लॉग में तो मैंने तो आपको छोड़ दिया सबको पर अब लाइक कर देना शेयर कर देना और अभी हम थोड़ी एक आधे घंटे में और थोड़ी सी भी शूटिंग करके फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे घर को क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ धूप बहुत है पर व्यू बहुत अच्छा है यार शांति इतनी है भाई इतनी शांति मैंने कभी दिखी नहीं भाई इतनी शांत है इतना शांत लोकेशन सेक रहा था मज़े से पर ये लोग जीने नहीं देते 2-3 किसी ने गोली चलाई है अब हम जवाबी फायर ना दे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना जवाबी फायर तो देनी पड़ेगी इतना अच्छा बैठा हुआ था पता नहीं किन्ने 2-4 गोलियां चलाई है मैं ठीक है फिर आपा कड़े घाटे हैं आपा भी जवाबी फायर देंगे पूरी जिन्नी मर्जी करो तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੋੜਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਆਈ ਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਚੱਕੂ
ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਨ ਨਾ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਜਵਾਬੀ ਉੱਥੇ ਆਏਗੀ ਤਿੰਨ ਜਵਾਬੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਕਿੰਨੇ ਰੌਂਦ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਇਹ ਦੋ ਮਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਉੱਤੋਂ ਆ ਗਏ ਜਵਾਬ ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਡੱਬਾ ਖਰਜਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਡੱਬਾ ਖੋਲ ਲਿੱਤਾ ਹਾਂ ਖੜ ਜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬ ਫਾਇਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਗਈ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈ ਸੇਫਟੀ ਲਗਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਈ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਹਮਨੇ ਗੰਦ ਡਾਲਾ ਹੈ ਤੋ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ ਤੋ ਹਮਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਰੋਨ ਦੇਖ ਲਓ ਅਬ ਹਮਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲ ਦੀਆ ਔਰ ਇੱਕ ਔਰ ਥੈਲ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਦੀਏ ਅਬ ਯਹਾਂ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਹਮਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾ ਹੈ ਐਸੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਹਮਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰੀ ਹੈ तो हमारे को उसके जो शेल्स होते हैं वो हमेशा फेंकने चाहिए सो डैट कभी भी कोई और आए उसको ऐसा ना लगे कि यार ये देखो गंद डाल के चलेंगे अपना यूज़ करके और गंद डाल के चले गए हैं ठीक है तो अपना सफाई ज़रूर करो और इन्वायरमेंट साफ़ रखो और मज़ा बहुत आया जितना चलाने में उतना साफ़ करने में भी हूँ आप जान लग गया हो गया भाई पैकिंग वुकिंग कर ली थी वापस ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ तो हमने ले लिया है स्टारबक्स कॉफी मोका और अब हम घर जा रहे हैं।